दोस्तों, अगर आप समाज में अपने एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, या फिर समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं, या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समाज में आपका एक वैल्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं होगा तो लोग आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं है। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 15 तरीके बताएंगे जिससे आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, खुद की कदर करना सीखो। अपना वैल्यू कैसे बनाएं? यह जानने से पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू करना सीखना होगा, अर्थात खुद की कदर करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपके महत्व को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझें और खुद की कदर करना सीखें। दूसरा है, कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल जरूरत होने पर ही बोलते हैं वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं, वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज्यादा होता है। कम बोलना जितना फायदेमंद होता है उतना फायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता है। जितना कम बोला जाए उतना फायदेमंद होता है। कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कम बोलना क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज्यादा लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी होंगे। तीसरा है, किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन इससे आपके इमेज पर क्या असर पड़ता है यह शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरों की बुराई करने से आपका वैल्यू कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग क्या है और धीरे धीरे लोग यह समझने लगते हैं कि आपको ज्यादा सम्मान देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बुराई करने से बचें। चौथा है, ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर काम करते हैं तो वह आपको वैसा महत्व नहीं देता है जैसे आप उसे देते हैं। इससे बस वह आपके जरिए अपना काम निकालता है, आपका फायदा उठाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर समय अनुसार ना बोलना भी जरूरी है, जिससे आपका इमेज भी बरकरार रहेगा। पांचवा है, जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है तो तुरंत ना बताओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी बता दें। इसलिए थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच समझकर पूरी बात बताओ जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करेंगे और आपका लोगों के बीच में वैल्यू बढ़ने लगेगा। छठा है, अपने काम पर फोकस करो। सबसे जरूरी चीजों में से यह एक है कि अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बनाने में सफल हो जाएंगे और लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका वैल्यू बढ़ जाए। सातवां है, साफ कपड़े पहनो। अगर आप लोगों के बीच में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने रहन सहन में ध्यान देना होगा। साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनो तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे वह आपकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगा तो समझ लीजिए कि आपका वैल्यू बढ़ने लगा, क्योंकि लोग सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं और फिर बाद में आपसे बात करते हैं। आठवां है, फैसला हमेशा सोच समझ कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लें, क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपका छवि खराब होने लगेगा। अगर आप सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे और आप लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे उभर कर सामने आएंगे। नवा है, बहस कम करो। कोई बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर किसी के साथ बहस ना करें।
बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हैं तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को खत्म कर देता है। इसलिए बहस करने से बचें, इससे छवि खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। दसवां है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोगों के बीच अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कई तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं और आपको हर चीज के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पर साबित हो सकते हैं। लोग आपसे अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ग्रामा है, सुनने की आदत डालो। दूसरों को भी सुने, हमेशा अपनी बात ना बोलें। ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की तला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर और उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोता होना आपको दूसरे की आँखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। ब्रह्मा है, अपनी तारीफ खुद ना करो। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अपनी तारीफ खुद ना करें। तारीफ हमेशा दूसरों की करना अच्छा रहता है। अगर आप अपनी तारीफ खुद ही करने लगेंगे तो लोगों के नजर में आपकी छवि होती चली जाएगी, अर्थात लोग आपको सीधा साधा नजरअंदाज करते चले जाएंगे। इसलिए खुद की तारीफ करने से बचें। तेरहवां है कि किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहो। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी का मदद कर देता है तो वह उस व्यक्ति को बार बार फिर किसी न किसी काम के लिए बोलता ही रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वह सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा और आपका महत्व कम होता चला जाएगा। चौदहवां है, अपने वचन को पूरा करो। जब आप किसी से किसी चीज के लिए वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करें, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सामने आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ज्यादा वादा करने से बचें। अगर वादा करें भी तो ऐसे वादे करें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। व्यर्थ में किसी को उम्मीद ना दें, नहीं तो परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी। पंद्रहवां है, अमीर बनो। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज के जमाने में वही राजा है जिसके जेब में पैसा है। तो पैसे कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको एक उम्मीद के नजर से देखने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। इसलिए अमीर बनो और अपना वैल्यू बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये थे वे 15 तरीके जिससे आप अपने वैल्यू को बढ़ाकर लोगों के बीच में अपना एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। सो एवरीवन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।